नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रि हम सब के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नवरात्रि पूजा की सरल पूजा विधि और संपूर्ण पूजन सामग्री। कलश स्थापना कैसे करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से जौ कैसे उगाते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि मैं दिखाऊंगी। आपके पास सामान ना हो, कम सामान में भी आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने माता की चौकी सजाई है बहुत ही सरल तरीके से। एक चौकी ली है, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। माँ के लिए लाल रंग का जो रंग है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो लाल रंग की चुनरी और लाल रंग की चौकी पे वस्त्र बिछाया जाता है। सबसे पहले अश्विनी करेंगे, गंगा जल से स्थान को पवित्र करेंगे इस तरह से। उसके बाद माँ की प्रतिमा या फोटो या मूर्ति अगर आप लाए हैं तो वो आप स्थापित करेंगे। अगर आप नई मूर्ति लाते हैं तो आप नई मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, फिर उसका आप विसर्जन भी कर सकते हैं। ये मैं मंदिर में फोटो जो पूजा करती हूँ रोज, वो फोटो मैंने ली है। उसके बाद अष्टदल कमल बनाएंगे, चावल का ढेर करेंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है, आपको दिख रहा होगा। और इसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे। बहुत से लोग ज्वारे लगा के ज्वारे के ऊपर कलश का स्थापना करते हैं, आप चाहे तो ज्वारे को अलग भी आप स्थापित कर सकते हैं। ज्वारे को भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए ज्वारे जो है नवरात्रि में जरूर लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो इस तरह से कलश की स्थापना करेंगे। कलश में जल भरेंगे, जल में आप रोरी अक्षत डालेंगे, हल्दी डालेंगे, फूल डालेंगे, आप चाहें तो एक रुपए का सिक्का डालेंगे। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। उसके ऊपर कटोरी से के ऊपर चावल भर के रखेंगे, ऐसा माना जाता है। इसमें चावल भर के रखने से भी घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सरल तरीके से एक चुनरी लगा दी है। उसके पर आम के पत्ते लगाएंगे, उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी, आपके पास गणेश जी की छोटी मूर्ति हो तो आप वो भी रख सकते हैं, पूजा में नहीं है तो सुपारी के ऊपर कलावा लगा के गणेश जी का स्वरूप मान के हम उनकी पूजा करेंगे। तो थोड़ा सा चावल का आसन बनाएंगे, उसके ऊपर गणेश जी रखेंगे। और ये देखिए ज्वारे मैंने छोटे पात्र में लिया है। अगर आपको कलश ऊपर रखना है तो आप बड़ा पात्र ले सकते हैं मिट्टी का, और उसमें हमेशा याद रखिएगा बालू और मिट्टी आप साथ में मिला के रखेंगे तो ही ज्वारे बहुत अच्छे उगते हैं। और जो ज्वारे हैं वो एकदम उसमें कीड़े नहीं होने चाहिए, आप अच्छे से बीन लीजिएगा, साफ सुथरा कर दीजिएगा। और रात में अगर ज्वारे आप भिगो के रखेंगे तो सुबह जो है ज्वारे बहुत अच्छे आपके बहुत जल्दी ज्वारे उगने लगते हैं। तो इस तरह से ज्वारे में हम पानी डालेंगे और ज्वारे को भी स्थापित कर दिया। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम अक्षत लगाएंगे। माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम अक्षत लगाएंगे, कलश की पूजा करेंगे और ज्वारे की पूजा करेंगे। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योति में बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप अगर जलाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप सुबह शाम देवी माता को धूप दीपक जला के आप आरती कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो उसकी भी विधि मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखाऊंगी, तो ये ऑप्शनल है। आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान देना रहता है, टाइम टाइम पे चेक करना रहता है। उसके बाद हम जो है कलश की पूजा करेंगे, कलश की हल्दी कुमकुम लगाएंगे। ज्वारे हैं, ज्वारे जो हमने उगने के रखे हैं उनकी पूजा करेंगे। उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे कलश के ऊपर। कलश के ऊपर नारियल में के ऊपर हमेशा लाल रंग का कपड़ा, आप इस तरह से लाल रंग का कपड़ा है, कपड़ा नहीं है तो चुनरी है, चुनरी नहीं है तो आप कलावा उसके ऊपर आप लपेट कर, कभी भी नारियल खाली नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग खड़ा नारियल रखते हैं, हमारे यहाँ इसी तरह से रखा जाता है। भगवान गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, दुर्वा आप चढ़ा सकते हैं। याद रखिएगा कि माँ दुर्गा की पूजा में तुलसी शामिल नहीं की जाती है, आप भोग के लिए तुलसी का उपयोग ना करें। माँ को चुनरी चढ़ाएंगे, नई चुनरी आप अगर ला सके तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो है अखंड ज्योति जलानी है। अखंड ज्योति को आप कैसे जलाएंगे, तो कलश पे भी कलावा चढ़ा दिया, कलश में भी कलावा बांधते हैं जो कि इसमें बंधा हुआ है। फिर हम सबको जल अर्पित करेंगे,
ये देखिए अखंड ज्योति मैं जलाने जा रही हूँ। तो अखंड ज्योति जहां पे भी आपको स्थापित करनी है उसके नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे चावल से, उसके बाद अखंड ज्योति रखेंगे। अखंड ज्योति रखने के बाद चंदन लगाएंगे, लेकिन जलाने के बाद भी पूजा विधि से की जाती है। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे, माँ को याद करते रहना है। पूजा में अगर घर के सभी लोग शामिल हो तो बहुत अच्छा है। फूल अर्पित करेंगे, माँ को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, लाल रंग का फूल, अगर गुड़हल मिल पाए तो आप जरूर अर्पित करें, या गुलाब लाल रंग का आप चढ़ा सकते हैं। इस मौसम में गुड़हल के फूल आते हैं। भगवान गणेश को पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे। जहां पर ज्वारे आपने लगाए हैं वहां पर भी पूजा करेंगे, वहां पर भी फूल चढ़ाएंगे, कलश पे फूल चढ़ाएंगे। तो ये देखिए, ये घर में रात रानी का फूल था तो उसको भी मैंने स्वस्तिक बना दिया, यहाँ पे पूजा में शामिल कर लिया। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से पूजा की जाती है। और नवरात्रि के जो पहले दिन है, माँ को देसी घी का भोग लगाना चाहिए। अगर आप देसी घी का भोग लगाएं तो माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। उसके अलावा आप जो भी आसानी से आप बना सकें माँ के लिए, अपने हाथों से बनाकर भोग जरूर चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं। तो इस तरह से फूल माला चढ़ा देंगे। तो बहुत ही सरल विधि है, आसानी से कलश स्थापना हो गई। अखंड ज्योति जलाएंगे, अच्छे सच्चे मन से याद करते हुए अखंड ज्योति जलाएंगे। मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है, तो ओम दुर्गाय नमः, आपको कोई मंत्र नहीं आता है अखंड ज्योति जलाने का, तो ओम दुर्गाय नमः का आप जाप करते हुए सच्चे मन से आप ज्योति जलाइए, तो देखिएगा वो ज्योति जलती रहेगी 9 दिनों तक। तो इस तरह से बस ये है कि जब भी आप कलश स्थापना करते हैं घर में या अखंड ज्योति चलाते हैं तो एक लोग को घर में जरूर रखना चाहिए। घर में ताला लगा के आपको बाहर नहीं जाना है। तो ये छोटी छोटी बातों का नवरात्रि में ध्यान रखना है। साथ में लहसुन प्याज का आपको 9 दिनों तक त्याग कर देना है। अगर आप 9 दिन व्रत रहते हैं तो अच्छा है, नहीं रह पा रहे हैं तो प्रथमा और अष्टमी के दिन आप व्रत रह सकते हैं। कलश स्थापना आप कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप 9 दिनों तक व्रत रखें। फल फूल चढ़ाएंगे जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए, केला सेब है जो भी आसानी से इस समय मिल रहा है। तो ज्वारे को आप अच्छी तरह से उगे तो सुबह शाम आप ज्वारे में बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल देना है, पानी का छिड़काव करते रहना है 2 या 3 टाइम, तो देखिएगा आपके ज्वारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस याद रखना है ज्वारों को रात में आपको भिगो के रख देना है। सुबह अगर आपको माता के लिए ज्वारे लगाने हैं, माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान नहीं होगा तो आप चूड़ी और बिंदी जरूर चढ़ाएं। माँ को सिंदूर लगाएंगे, तो सिंदूरा आप जो भी पूजा में आप सिंदूरा शामिल करते हैं उसी सिंदूरे से आप सिंदूर लगाइए इस तरह से, और बाद में पूजा में आप सुहाग ले सकते हैं माँ दुर्गा से। तो ये इस तरह से सरल तरीके से हम घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। ये अपने हाथों से मैंने प्रसाद खीर बनाई है माँ के लिए, तो वो भोग लगाएंगे। तो बस ये पूजा हो गई है, आरती करनी है। तो आरती से पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो वो अगर आप पढ़ पाए तो अच्छा है, नहीं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ लें। आप दुर्गा चालीसा की छोटी बुक आती है तो वो आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें दुर्गा चालीसा दी रहती है, आरती और कुछ आप अगर आप भजन कीर्तन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ है तो वो पूरा पाठ आप 9 दिन में पार्ट वाइज डिवाइड करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो रोज पूरा पूरा पाठ कर सकते हैं। धूपबत्ती जलाएंगे, उसके बाद देवी माँ की आरती करेंगे। तो देवी माँ की आरती आप कोई भी आरती कर सकते हैं जो है आप इस तरह से। तो जब भी घर में सुबह शाम आरती करनी है, जब भी आप इस कलश स्थापना करते हैं माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, तो 9 दिनों तक सुबह और शाम आप जरूर आरती करिए, धूप दीपक जलाइए। घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हों इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से माँ की आरती करेंगे, उसके बाद जो भी भोग लगाए हैं भोग को आप चारों तरफ से जल से घेरा करेंगे और माँ को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से सरल तरीके से आप आसानी से घर में जो है माँ को याद कर सकते हैं। जो है माँ के अलग अलग दिनों पर अलग अलग भोग बनाए जाते हैं, उसका वीडियो मैं डाल दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी वीडियो है नवरात्रि पूजा की मैं कैसे करती हूँ, ब्लॉग भी है, तो आप वहाँ पर मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी को नौ